हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर खान आपके लिए एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी की वीडियो डाली जाती है, सेम वैसी तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले फेसबुक वगैरह पे। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं आज एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। एंड्रॉयड का एक ऐसा ऐप जिससे कभी हमारे फ़ोन हैंग होने लगता है या फिर हमारे फ़ोन को हार्ड रीसेट या सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी डेटा को कैसे हम बैकअप और रिस्टोर कर पाएँ। हाँ जी दोस्तों, आप अपनी बैकअप ले सकती हो, चाहे वो फ़ोटो हो, इमेज हो या फिर SMS हो, जो कि आपकी फ़ोन की SMS होती है। ये सारे चीज़ों के आप बैकअप ले सकते हो और बहुत ही सिंपली तरीके से ले सकते हो। दोस्तों, एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, उसे हमें इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे कि हम प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर पे क्लिक करके आपका सिंपली प्ले स्टोर जैसा खुलता है, हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। इसमें हमें डालना है SMS बैकअप एंड रीस्टोर, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, SMS बैकअप एंड रीस्टोर ऑलरेडी मैं अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा हूँ। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, इसको सिंपल सा ओपन करना होता है। ये कब करना है? जब आपको हार्ड रिसेट मारना है उससे पहले इसका बैकअप ले लें, या फिर लाइफ में कभी भी इंस्टॉल करके इसको अपने डिवाइस में और इसका बैकअप अपने जीमेल पे ले लें, और अपने मेमोरी कार्ड वगैरह, पेन ड्राइव जिसमें भी लेना चाहे ले सकते हैं। दोस्तों, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। बैकअप तो बैकअप ले सकते हैं, बैकअप पे क्लिक करो। दोस्तों, इस पूछ रहा है आपको गूगल ड्राइव में करना है, ड्रॉप बैक्स में करना है या फिर लोकल कोई बैकअप लेना है, जिस पे भी करना है दोस्तों उस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दे जा रहा है रीस्टोर। बैकअप लेने के बाद आपको ऑलरेडी पता है कि रीस्टोर करना पड़ता है। माना कि हमने अपनी हार्ड रिसेट मारने से पहले हमने बैकअप ले लिया, उसके बाद हार्ड रिसेट मारने के बाद फिर से हम अपने फ़ोन में वही डेटा को लाने के लिए फिर रिस्टोर करेंगे, तो ये रिस्टोर का ऑप्शन है। इसमें दिखा रहा है आपको गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव इन द सेंस ऑफ कि आपका जो जीमेल आईडी है वो, लॉग इन ड्रॉप बॉक्स अगर ड्रॉप बॉक्स में लगा रखे हो तो, या फिर सिस्टम ब्राउज़र यानी सिस्टम में आप SD कार्ड में, पेन ड्राइव में, कुछ में भी लगा रखे हो तो उसमें आप डाल सकते हो, यानी यहाँ से भी बैकअप इसका ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है व्यू बैकअप। बैकअप आपने क्या लिया है, किस चीज़ में लिया है, लोकल ड्राइव में, गूगल में या फिर ड्रॉप बॉक्स में, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है हमारा मैनेज स्पेस, यानी स्पेस को अगर मैनेज करना है तो बैकअप और डिलीट फाइलों को, तो उसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही अच्छा चीज़ है ये मैंने खुद इसको यूज़ किया है। मैं भी अपना फ़ोन को, इसी फ़ोन को मैंने हार्ड रिसेट मारा, उससे पहले मैंने बैकअप लिया और दोस्तों इसका टोटल रिस्टोर हो गया मेरे मोबाइल में। जैसा कि आप देख रहे हैं 33 मैसेज दिखा रहा है हमारा, और यहाँ पे बैकअप SMS ये आपको लिखा हुआ है, SMS बैकअप एंड रिस्टोर व्यूअर, यानी कि ये सारे चीज़ों का हमारा बैकअप कर दिया है। दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे चीज़ें हमारी बैकअप हो चुकी है। इसमें आपका भी पूरा बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और आप इसको यूज करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।